नमस्कार, मैं हूँ सीमा तोशनीवाल और आज की वीडियो में हम बनाएंगे मार्केट से भी ज़्यादा शुद्ध, फ्रेश और स्वादिष्ट मलाई बर्फी यानी कि कलाकंद। ये दोनों नाम एक ही मिठाई के हैं। घर की बनी हुई एकदम ताज़ा ताज़ा मलाई बर्फी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि इसे बार बार खाने का मन करता है। यह बिल्कुल कम समय में, कम मेहनत में बड़ी आसानी से बन जाती है, तो फिर देर किस बात की है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मलाई बर्फी या कलाकंद बनाने के लिए हमें 2 लीटर दूध की ज़रूरत होगी। 1 लीटर दूध में से हम छेना निकालेंगे और 1 लीटर दूध को गाढ़ा करके उसमें मिलाएंगे। दूध को उबाली आने तक गर्म करेंगे। दूध में उबाली आ चुकी है और अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम दूध को 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसकी एक्स्ट्रा हीट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और पनीर बनाने के लिए हमें 2 या 3 नींबू का रस चाहिए। गर्म पानी डालकर डाइल्यूट कर ले। हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। ऐसा करने से पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। दूध को भी हल्का सा हिलाते रहेंगे। नींबू का पानी डालते जाएंगे। सारा पानी हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम तब तक डालते रहेंगे जब तक कि दूध में से छेना और पानी अलग अलग नहीं हो जाए। अगर 2 नींबू के रस से पूरा दूध नहीं फटता है तो थोड़ा सा नींबू का रस और मिला लेंगे। अभी हम इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। दूध से छेना और वे बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे और अब इसकी इस तरह से पोटली बना लेंगे। छेने को सॉफ्ट बनाने के लिए इस पर पानी डालेंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसमें इस तरीके से एक प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर पत्थर रख देंगे। पत्थर के दबाव की वजह से इसका सारा पानी निकल जाएगा। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और छेने का सब पानी निकल चुका है। अब हम इसे पोटली से बाहर निकाल देंगे। अब हम पनीर को तोड़कर हथेली से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जिससे इसके जो बड़े बड़े दाने हैं वो बिखर जाएंगे। ये हमने 1 लीटर दूध का छेना बनाया था, तो 1 लीटर दूध हमने लिया है। इसको हम उबाल कर आधा होने देंगे। अब हम आंच को मीडियम से तेज रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, जिससे दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। दूध को हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे और इसकी किनारों पर जो मलाई लगती है उसे हम मिक्स करते रहेंगे। अब ये दूध उबल कर आधा रह चुका है। अब हमने जो ये छेना इस मेश किया था वो इसमें डाल देंगे। छेने को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और दूध को चलाते जाएंगे। अब हम थोड़ी आंच बढ़ा देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और जो किनारों पर मलाई इकट्ठी होती रहेगी उसे फिर से दूध में मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और जो दूध बार बार इसकी किनारों पर चिपकता है उसे भी हम हटाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और तेज़ी से खदकना शुरू हो गया है। इसके छींटे हमारे हाथों पर आते हैं, तो अब हम आंच बिल्कुल कम कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। बिल्कुल रबड़ी की तरह गाढ़ा हो चुका है, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर हम इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें और अभी चीनी मिला दें तो
तो इसे ठंडा करके फ्रिज में रखकर खाया जाए तो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, और अगर फिर से माइक्रोवेव में गर्म करके खाया जाए तब भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अभी हम इसे और चलाएंगे, हमें बिल्कुल गाढ़ा करना है क्योंकि हमें इसकी बर्फी बनानी है। पनीर डालकर बनाने से कलाकंद बिल्कुल सफ़ेद बना है। हमने यहाँ कोई रंग काट या किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, यह बिल्कुल शुद्ध और पूरी तरह से नेचुरल है। जब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे, और अगर हम इसमें चीनी पहले मिला देते हैं तो इसका कलर इतना सफ़ेद नहीं रहता है, क्योंकि चीनी डालने के बाद इसे ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका जो दाना सॉफ्ट है वो हार्ड हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, इस वक्त हमें बिल्कुल सावधानी रखनी है। यानी कि अब ये लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, और जब तक चीनी मेल्ट होती है तब तक इसे फिर से पकाएंगे, और चीनी मेल्ट होते ही गैस बंद कर देंगे। अब ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, यानी कि लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्पेचुला पर लेते हैं, तो ये स्पेचुला पर लिपट जाता है और आसानी से स्पेचुला को नहीं छोड़ता है। इसका मतलब ये अब परफेक्ट बन चुका है। इसमें हम चीनी डाल देंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे, फिर हम गैस बंद कर देंगे। मैंने इसमें कप मीठा खाने वालों के हिसाब से 3 टेबल स्पून चीनी डाली है। आप अपनी पसंद के अनुसार चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें इलायची, रोज़ फ्लेवर या कोई और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो अभी ऐड कर दीजिए, उससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। मैं इसमें हल्का सा रोज़ फ्लेवर देना पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ 2-4 बूंद रोज़ एसेंस की डालूँगी। अब हम चीनी मेल्ट होने तक इसे फिर से पकाएंगे। चीनी मेल्ट होते ही गैस बंद कर देंगे और हम इसे थोड़ा ठंडा होने तक चलाते रहेंगे। अब हम इसे किसी गोल या चौकोर ट्रे या मोल्ड में सेट करेंगे। यहाँ मैंने स्कूल का लंच बॉक्स लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अब इसमें सेट करूँगी। ये हमने इसे टिफिन में सेट कर लिया है। अब हम इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। किसी चम्मच से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे इसकी बादाम और पिस्ते इस पर चिपक जाए और निकले नहीं। अब हम इसे पूरा ठंडा होने के बाद फ्रिज में 1 या 2 घंटे तक सेट होने के लिए रखेंगे। हमने इसे 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था और यह अब अच्छा सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बर्फी की कटिंग करने के लिए हम दोनों साइड से 3 इक्वल लाइनों के हिसाब से निशान लगाएंगे और फिर कट लगा देंगे। अब इसके बाद इसकी सारी किनारे लूज कर लेंगे जिससे हम इसे आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मलाई बर्फी बनकर तैयार है। यह बिल्कुल ताज़ा, फ्रेश और स्वादिष्ट बनी है।
अगर इसे एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। आप इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, और अगर बाहर रखेंगे तो 5-6 घंटे में ख़राब हो सकती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।